जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग बताइए राधे राधे भाई कैसे हैं आप लोग बताइए बढ़िया हैं मजे में हैं स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं बताइए भाई चलिए राधे राधे सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बहुत शानदार विकास कुमार अंकित हरिचा हरिया मोना काफी बच्चे मेरे भाई लाइव हैं राम राम भाई राम राम रिफ्रेश करिए कैसे हैं बढ़िया है सब फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बहुत अच्छा बहुत शानदार है चलिए दोस्त ठीक है तो आज हमारा जो है फाउंडेशन बैच में हम लोग शुरू करने वाले हैं मेरे भाई टाइम एंड वर्क ठीक है परसेंटेज खत्म हो गया प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया डिस्काउंट खत्म हो गया और इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो शुरू करना है मेरे भाई टाइम एंड वर्क यहाँ पे ठीक है क्या शुरू करना है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क का ये बड़ा अभिंकसा अंग है बड़ा महत्वपूर्ण सा पार्ट है मेरे भाई जो आपको पेपर के लिए पढ़ना है अब टाइम एंड वर्क में टोटल कुल मिलाकर हमारे तीन टॉपिक होते हैं एक टाइम एंड वर्क हो गया दूसरा हमारा पाइप एंड वर्क एंड वेज हो गया और तीसरा हमारा पाइप एंड सिस्टम हो गया ये तीनों बातों को बहुत तरीके से हमें समझना है जब हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर पाइप आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो टॉपिक है हम उसे कवर अप करेंगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं जितने जगह पर टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सअप पर या जहाँ पर भी मेरे भाई जुड़े हुए हैं वहाँ वहाँ पर वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई शुरू करने के पहले हम आपको बता दें ठीक है तो हमारे लिए जैसे मैथ्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो अगर आपको मैथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए कि आपको मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन मेरे भाई हो जाए तो उसके लिए आप आराम से फॉर्मूला बुक की पूरी की पूरी पीडीएफ को पढ़िए टेलीग्राम पर इसकी हमने पीडीएफ भी डाल दी है और जो बच्चा इसकी किताब मंगाना चाहता है तो एक सौ में विथ डिलीवरी ये किताब आपको आपके घर पर मिल जाएगी जहाँ पर आप मंगा के पूरे गणित का संपूर्ण रिविजन मेरे भाई कर सकते हैं इसके अलावा फाउंडेशन बैच के साथ साथ अगर आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो सीजल वेरियर की बुक मंगा आप यहाँ पर इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी हमने सोल्यूशन दिए हैं उनको आप सीख सकते हैं ठीक है साथ में यदि आप सी या सी एच एस एल मेन्स की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं तो आप सी आ, यहाँ पर जो सिक्सटी टेस्ट वाली हमारी बुक है आप इसको ऑर्डर करके मंगाइए और उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवाइज करिए यहाँ पे ठीक है पूरा बढ़िया तरीके से इसके एक मॉक टेस्ट को लगाइए और अनालइज़ करिए ये तीन किताब मेरे भाई तीनों के तीनों ब्रह्मास्त्र हैं आपस में अपने आप में और हर सेगमेंट में बच्चे को अलग अलग तरीके से ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू करते हैं आज के सेशन को मेरे भाई क्लास नंबर वन है हमारा और ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक जैसा कि हमने आपसे कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए तो आपको ध्यान रखना है अगर हम स्पेशली बात करें 2023 में तो 2023 में लगभग जितने भी पेपर हुए हैं चाहे आप सीजल 2023 का प्री देख लीजिए यहाँ पे या फिर आप बाकी किसी भी पेपर को उठा के देखिए तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का मेरे भाई बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है और टाइम एंड वर्क से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लगभग हर एक शिफ्ट में पर्टिकुलरली अगर हम प्री प्री की बात करें तो तीन से चार सवाल मेरे भाई टाइम एंड वर्क के थे अब आप सोच सकते हैं कि एग्जामिनर ने इस बार इसको कितना ज़्यादा महत्व दिया है तो हम टाइम एंड वर्क को प्रॉपर तरीके से मेरे भाई बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम हर लेवल के क्वेश्चन को सीखेंगे समझेंगे और जानेंगे और यहाँ पर हर टाइप को मेरे भाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य इसके बारे में हम जानते हैं तो टाइम एंड वर्क मेरे भाई क्या है कैसे है और क्या क्या बातें हैं वो सारी बातों को समझिए यहाँ पर ठीक है तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया तो टाइम एंड वर्क यहाँ पे समय तथा कार्य तो देखिए इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है और वो हमारा मेरे भाई क्या है कि जैसे मानिए कोई भी व्यक्ति जो कि कार्य करता है यहाँ पे जो वर्क करता है या फिर आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हो कि सर जो टाइम होता है सर वो बराबर होता है हमारे किसके तो टाइम जो होता है सर वो बराबर होता है हमारे वर्क अपॉन एफिशियंसी के ठीक है अब यहाँ पर कुल मिलाकर हमने तीन बातों को लिखा है एक शब्द मैंने लिखा है टाइम दूसरा मैंने लिखा है वर्क और तीसरा मैंने लिखा है एफिशिएंसी यहाँ पर कि समय जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा किसके तो समय बराबर होगा कार्य और बट्टे में मेरे भाई किसके तो भट्टे में यहाँ पर क्षमता के बट्टे में यहाँ पर मेरे भाई किसके तो भट्टे में यहाँ पर क्षमता के कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में कितना समय लेगा ये इस बात से मेरे भाई निश्चित होगा कि उसको कार्य कितना करना है और उसकी यहाँ पर जो क्षमता है वो हमारी कितनी है ठीक है तो कार्य को अगर हम उसके क्षमता से भाग कर दें तो यहाँ पर क्या पता चल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्षमता का पता हमें चल जाएगा अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं तो दो वेरिएबल के ऊपर आता है तीन वेरिएबल के ऊपर आता है चार वेरिएबल के ऊपर आता है इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं तो जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे वो समझिए जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और किसी कार्य को दस दिनों में कर रहा है और कोई व्यक्ति किसी कार्य को बीस दिनों में कर रहा है ए अगर अकेला मेरे भाई कोई खिलौना बनाए या बिल्डिंग बनाए बना तो दस दिनों में बना सकता है और बी अगर अकेला कोई खिलौना या बिल्डिंग बनाए तो बीस दिनों में मेरे भाई बना सकता है तो यहाँ पर दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे यहाँ पर ये पता करना हो तो यहाँ पर हम कैसे पता करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर दस और बीस से कटने वाली संख्या लेते हैं जिसको हम लोग वर्क मानते हैं जैसे इसके पास जीरो है इसके पास जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा और एक और दो कैल्सियम हमारा कितना हो जाएगा तो दो हो जाएगा यानी कहीं ना कहीं इनके द्वारा लिए गए समय का हम क्या ले रहे होते हैं तो एल्शियम लेते हैं एल्सियम भी कैसे लेना है अभी हम फिलहाल आपको बताएंगे उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या कहा दस और बीस से कटने वाली संख्या ने कितनी हो जाएगी तो बीस हो जाएगी ये हमारा क्या है तो ये मेरे भाई यहाँ पर टाइम है ये हमारा क्या है तो इसे हम मान लेते हैं वर्क ठीक है और यहाँ पर क्या आता है तो यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी आती है यानी हमारी क्षमता आती है ध्यान रखिएगा तो अगर कभी भविष्य में एफिशिएंसी निकालना पड़ जाए एफिशिएंसी निकालना पड़ जाए तो वर्क को किससे डिवाइड करो टाइम से डिवाइड करो वो मेरे भाई बताएगा कि आपकी जो क्षमता है वो आपकी क्षमता कितनी है और क्या है समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे यानी अगर आप 20 को 10 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता दो यूनिट निकल कर आएगी और 20 को 20 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता कितने निकल कर आएगी एक निकल कर आएगी यहाँ पर हर एक शब्द के अपने अपने मतलब हैं हर एक बातों की अपने अपने समझदारी है इसे हम कहते हैं कि समय कितना लगा किसी कार्य को करने में इसे हमने यहाँ पर कहा कि हमारा टोटल काम कितना है और ये मेरे भाई हो गया उनको कार्य करने की क्षमता कितनी है ठीक है ये मेरे भाई हो गया कार्य करने की क्षमता कितनी है तो यहां पर ये मेरे भाई हो गया यहां पर क्या हो गया तो बोलेंगे सर ये टाइम है और ये वर्क है और ये हमारा क्या हो गया तो एफिशिएंसी हो गई यहां पे ठीक है अब यहां पर जैसे मानो मैं कहूं उसी कार्य को दोनों मिलकर यहां करेंगे तो कितने दिनों में लगेगा तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी यानी मिलकर कार्य करेंगे तो कैदा लगेगा तो टाइम बराबर बोलो के सर टाइम बराबर क्या होता है तो वर्क और अपॉन में क्या हो जाता है तो अपॉन में एफिशिएंसी हो जाता है ठीक तो, है तो टाइम यहाँ पर वर्क जो है वो हमारा कितना है तो वर्क हमारा 20 यूनिट है और क्षमता की बात अगर हम करेंगे तो यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे तो क्षमता के स्थान पर दोनों का क्षमता लेना है ए अगर अकेला काम करेगा तो ए की क्षमता लेंगे बी अकेला काम करेगा तो बी की क्षमता लेंगे और अगर दोनों मेरे भाई काम करेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे यानी टू प्लस कितना हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा यहाँ पर यानी मिलकर काम करेंगे तो कितना लगेगा बटे तीन दिन यहाँ पे कितना लगेगा मेरे भाई तो बीस बटे तीन सवालों को करते हैं और दूसरा हमारे पास भी होता है और हमारे पास ट्रिक भी होता है जिसके माध्यम से पर जो है वो हम कर सकते हैं एक बच्चा तब से कह रहा है सर सी पी वॉरियर का पीडीएफ नहीं है सर राहुल वर्मा मेरे भाई देखिए राहुल जी हमने कभी कभी जो है आप लोगों से जो भी कहा है सत्य कहा है आप सोचिए इस बात को लेकर कि पूरी किताब आप लोगों के लिए बनाई और उसके बाद हमने उसकी पूरी पी भी आपको दी आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं देखिए ये टेलीग्राम में मैंने पहले भी कहा है मैथ्स बाई आदित्य रंजन ठीक है और ये हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल दोनों टेलीग्राम पर अपलोडेड है जैसे इस टेलीग्राम पर देखेंगे तो नीचे पिंड मैसेज आपको दिखेगा और ये पिंड मैसेज में कंप्लीट सीपीओ पी बुक फ्री पीडीएफ आपको दिखेगा आप उस पिंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पूरी प्रॉपर तरीके से सीपीओ पी वेरियर की किताब नज़र आ जाएगी और आप यहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहें तो फ्लिपकार्ट से मंगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों सिस्टम है मेरे भाई आपके पास आप किसी भी तरीके से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं आ जाइए तो जैसे ये हमारा एलसीएम मेथड हो गया मेरे भाई अब एल मेथड के बाद हमारा क्या है तो दूसरा मेरे भाई एक ट्रिक भी है यहाँ पे और ट्रिक हमारा क्या है तो हम वो भी बता देते हैं मान लीजिए कि ए किसी कार्य को एक्स दिनों में पूरा करता है और बी किसी कार्य को मेरे भाई वाई दिनों में पूरा करता है तो कभी अगर भविष्य में यहाँ पर ये यह आ जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो वो टाइम का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई वो हमारा होगा यहाँ पर एक्स वाई अपॉन कितना होगा तो एक्स प्लस वाई होगा हाँ कितना होगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं तो मान लीजिए कभी अगर सेम क्वेश्चन को बात किया जाए यहाँ पर ए किसी कार्य को दस दिनों में करता है और भी किसी कार्य को मेरे भाई बीस दिनों में करता है तो मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे तो मिलकर उस कार्य को जो है यहाँ पर ठीक है एक्स हो गया इंटू हमारा वाई हो गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया यानी दस प्लस मेरे भाई बीस हो गया तो कुल मिलाकर ऊपर कितना हो जाएगा दो सौ और नीचे कितना हो जाएगा तीस और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी का कितना आ जाएगा तो थ्री आ जाएगा ठीक है यानी एक तरफ हमें क्या लगाना है तो एलसीएम मेथड लगाना है और दूसरी तरफ मेरे भाई क्या लगाना है तो फॉर्मूला लगाना है और उसके माध्यम से बड़े आसान तरीके से जो है आप सवालों को कर पाएंगे अभी धीरे धीरे तरीके से हम मेरे भाई यहाँ पर समझेंगे कि क्या हम एलसीएम मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम एलसीयम निकाल सकते हैं सारी बातों को समझेंगे जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चीज़ों के बारे में हम सीखते चले जाएंगे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि एक किसी कार्य को मेरे दिनों में करता है और सोलह तो अब वही बात हो गई कि हमारे पास दो विधि हो गई को सॉल्व करने का एक हमारा हो गया मेथड और दूसरा हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर कि हम इसे फॉर्मूले से कैसे करें ठीक है फिलहाल मैं अभी आपको एल्सियम बस ऐसे लेके बता रहा हूं देखिए तो यहाँ पर 12 और 16 का एल्सियम हमारा 48 होता है 48 कैसे होता है हम बताएंगे हाउ टू फाइंड एल्शियम अभी जस्ट दो मिनट में हम आपको पढ़ा देंगे आप उसके लिए निश्चिंत रहिए बस अभी आप समझिए मेरी बातों को लेके ठीक है तो यहाँ पर ये जो होता है इसे समय कहते हैं ये जो होता है मेरे भाई इसे हम वर्क कहते हैं और यहाँ पर क्या होगा इस वर्क को जब इससे डिवाइड करेंगे अड़तालीस को बारह से डिवाइड करेंगे तो चार आएगा अड़तालीस को सोलह से डिवाइड करेंगे तो तीन आएगा तो बोलेंगे सर टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो टाइम का फॉर्मूला होता है सर वर्क अपॉन एफिशिएंसी वर्क हमारा कितना है तो बोलोगे सर अड़तालीस है और क्षमता की बात अगर आप करेंगे तो क्षमता कितनी होगी सर इसकी क्षमता चार यूनिट इसकी क्षमता तीन यूनिट तो चार जमा तीन कितना हो जाएगा सात हो जाएगा यानी सर इतना दिन लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में ये हमने किससे पता किया तो ये हमने मेथड नंबर वन से पता किया किससे पता किया मेरे भाई तो मेथड नंबर वन से पता किया हमने ठीक है अब मान लीजिए कि इसी सवाल को मुझे मेथड नंबर वन से नहीं पता करना होता और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता मैं चाहता सिंपल सिंपल इसको मेथड नंबर टू से पता करना तो ये हम कैसे करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है तो ए किसी कार्य को बारह दिनों में कर रहा है बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है तो सोलह दिनों में कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो है मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे तो मिलकर उस कार्य को करेंगे सर x <workiten Point> इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यानी ये बारह दिन हो गया ये सोलह दिन हो गया और उसके बाद यहाँ पर बारह प्लस सोलह यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा तो बारह प्लस सोलह यानी अट्ठाईस हो जाएगा चार से हम काटेंगे तीन बार में चार से हम काटेंगे सात बार में तो सोलह इंटू तीन यहाँ अड़तालीस हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सात फोर्टी एट अपॉइंट सेवन डेज जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा फोर्टी एट अपॉइंट सेवन मेरे भाई क्या होगा यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई ठीक है क्लियर है ये बात तो हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम ऐसे भी जा सकते हैं अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंक क्या होता है कि आप एल्सीयम कैसे निकालते हैं तो चलिए थोड़ा सा एक हेडिंग भी हम डाल लेते हैं एल्सीयम यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड एल्सीयम क्योंकि सारा जो खेल है ना टाइम एंड वर्क का वो मेरे भाई एल्सीयम के ही बिहाफ पर है ठीक है अगर आपको एल्सीयम निकालना नहीं आता है लघुत्तम समावर्तक निकालना नहीं आता है तो यूँ समझ लीजिए टाइम एंड वर्क आपके किसी काम का नहीं है यहाँ पर ठीक है कितना स्माइल करवाओगे यार लगता है कि सर वाली आज नाराज़ है इसलिए सर मुस्कुरा नहीं रहे हैं अच्छा जी प्रिया सेन करके हैं ये हमारी वाली कौन सी हो गई भाई ये बताना जरा है हम को नहीं पता आपको बहुत पता है बताइए अब थोड़ा महाराज टॉपिक पढ़ा रहे हैं बताइए अब इसमें भी क्या मुस्कुरा के कोई पढ़ाई कुछ चीज़ें समझानी है कुछ चीज़ें बतानी है तो आदमी उसी लहजे में बताएगा ना बोलिए चलिए आइए बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आइए पढ़ाई करिए आइए हाउ टू फाइंड एल्सीयम तो यहाँ पर अगर हम एल्सियम की बात हम करते हैं तो हम LCM कैसे निकालें दो संख्याओं का तीन संख्याओं का चार संख्याओं का आजकल मुस्कुराना भी गुनाह हो गया है थोड़ा सा लोग वीडियो बना बना डाल देते हैं फिर उसके बाद पता नहीं कैप्शन क्या लगा देते हैं ठीक है जाओ भाई अच्छा खासा फ्लो चल रहा है चलने दीजिए। अब सबसे पहली बात हैल्सियम क्या होता है तो लघुत्तम समावर्तक होता है ठीक है क्या होता है मेरे भाई तो लघुत्तम समावर्तक होता है यहाँ पर किसी भी संख्याओं का लसा निकालने का मतलब लघुत्तम समावर्तक है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दो तीन लोगों में मल्टीपल में कॉमन आ जाए जैसे मानो यहाँ पर पहले मैं दो संख्या का बात कर रहा हूँ कि मैंने 12 और 16 का मैंने एलसीएम कैसे निकाला तो देखो मेथड जो होते हैं वो कई सारे मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग मेथड है और काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं लेकिन एक ही मेथड आप अप्लाई करना वो है मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड कह रहा हूँ ऐसे ये वाला मेथड ये 12 और 16 का आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दोनों को डिवाइड कर पाए जैसे मानिए दो है सबसे छोटी संख्या दो है उससे डिवाइड करिए तो यहाँ पर दो से छः बार में करिए दो से आठ बार में करिए फिर दो से आप इसे तीन बार में करिए और दो से इसे चार बार में करिए अब आपके पास कोई ऐसी संख्या मिल ही नहीं सकती है जो मेरे भाई दोनों को विभाजित कर पाए जो यहाँ पर दोनों को जो है वो विभाजित मेरे भाई कर पाए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक तो यहाँ पर मेरे भाई एलसीएम कैसे लिखेंगे तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम कुछ इस प्रकार होगा कि जो संख्या हमारी कॉमन थी हम उसे लिखेंगे जैसे दो और दो मेरे भाई कॉमन है वो और जो बच जाता है यहाँ पर हम उसे भी लिखेंगे तो थ्री इंटू फोर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा चार इंटू तीन बारह बारह इंटू दो चौबीस चौबीस इंटू दो कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा बस नियम यहाँ पर एक ही है और वो मेरे भाई ये है कि ऐसी संख्या से भाग करना जो कम से कम दो लोगों को भाग करें जो कम से कम कितने लोगों को भाग करे दो लोगों को भाग करे लव यू टू ठीक है तो यहाँ पर जो है दो लोगों को मेरे भाई कम से कम भाग करे ये वाली बात हो जाती है तो जैसे मानिए अगर हम बात करते हैं फिर से कि अगर मुझे 12 का हो 16 का हो और 20 का हो मुझे यहाँ पर इनका एल्सियम लेना है लघुत्तम यहाँ पर जो है समावर्तक मेरे भाई लेना है तो हम यहाँ कैसे करेंगे बताइए ठीक है तो यहाँ पर जो है बारह सोलह और बीस एल्सियम हम, हम लेंगे तो वो मेरे भाई कैसे लेंगे सेम कहानी हमें करना है सबसे छोटी से छोटी संख्या को क्या करना है मेरे भाई भाग करना है ठीक है <laughs> तो यहाँ पर जो है वो दो से भाग करेंगे कितनी बार में छः बार में दो से भाग करेंगे आठ बार में और दो से भाग करेंगे कितनी बार में दस बार में अरे लव यू टू मैंने शिवान सर को कहा है किसी और को नहीं कहा है मैंने ठीक है कहाँ की बात है कहाँ लेके चले जाते हो दो से मेरे भाई कितनी बार में भाग करेंगे तीन बार में चार बार में और पाँच बार में अब मेरे पास कोई ऐसी संख्या बची नहीं है जिससे मैं यहाँ पर कम से कम दो लोगों को भाग कर पाऊँ तो नहीं करूँ तो मेरे भाई जो बच गया है वो क्या रहेगा वो मेरा एज इट इज रहेगा यहाँ पर ठीक है तो हम यहाँ पर एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो जो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन है वो हम क्या करेंगे कॉमन लिखेंगे और जो मेरे भाई बच गया उसको हम ऐसे रहने देंगे तीन इंटू चार इंटू पाँच ठीक है पाँच इंटू चार बीस बीस इंटू तीन साठ साठ इंटू दो एक सौ बीस एक सौ बीस इंटू दो हमारा कितना हो जाएगा दो सौ चालीस हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई दो सौ चालीस हो जाएगा ठीक है समझ रहे हैं बातों को लेकर यानी जिससे हम विभाजित करेंगे वो भी रहेगा और जो हमारा बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो भी रहेगा क्लियर है ठीक है चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर सोलह हो गया बीस हो गया और यहाँ तीस हो गया फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो सोलह बीस तीस ना करके एक काम करते हैं मैं ना यहाँ से संख्या लिखता हूँ सोलह हो गया तीस हो गया और अट्ठारह हो गया फटाफट यहाँ पर जो है ठीक है फटाफट मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है फटाफट यहाँ पर जो है इनका कैल्शियम निकाल के बताइए इसका कैल्शियम कितना होगा चलिए बताइए मेरे भाई आंसर बताइए सभी लोग मेरे शादी के पीछे पड़े हुए हैं मतलब सर खुशी नहीं है हम सुख हैं तो मतलब तो कर लो, चलो बताओ भाई जल्दी बताओ ऐसे हम कितना होगा सोलह अठारह और तीस का मेरे भाई बताइए जल्दी से मेरे भाई शिवान सर तब से कैमरे के पीछे है ना परेशान किए जा रहे पढ़ाने नहीं दे रहे आप लोग ना इनसे पूछो क्यों पढ़ाने नहीं दे रहे हैं हमें मैं ना मतलब कुछ नहीं कह रहा सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि सर शादी कर शादी कर लो पार्टी मिल जाएगी अब शादी नहीं करनी तो फिर पार्टी कर लो एक काम कर लो अब मैं ये कहता हूँ कि देखो ऐसा नहीं कि वैसे में मुझे पार्टी मिलेगी इन भाई बंदों का भंडारा हो जाएगा शादी कर लो और एक बड़ा सा भंडारा तय कर लो कि बच्चों को और बता दो कमेंट में भंडारा चाहिए नहीं चाहिए शादी का भंडारा शादी का भंडारा होगा और मेरे स्टेटस पे आज मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मिशन रंजन सर शादी तुम लगा दो सारा जितना सोशल मीडिया ना प्रेशर बना दो भाई पे शादी करने का

सर की बातों को दिल पे ना ले कोई ऐसा कमेंट नहीं करने वाला है ठीक है पढ़ाई कर लो चुपचाप सारे सारे के सारे पे ठीक है ना <laughs> चलो मेरे भाई तो शुरू करते हैं सोलह तीस और अठारह लेना है तो मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या दो दो से ये कितनी बार में जाएगा आठ बार में पंद्रह बार में और यहाँ पर नौ बार में उसके बाद एक ऐसी संख्या जो कम से कम दो लोगों को भाग करे अब दो आठ को तो भाग कर पाएगी पंद्रह और नौ को भाग नहीं कर पाएगी यहाँ पे ठीक है पंद्रह और नौ को भाग नहीं कर पाएगी तो यानी हमें तीन के पास जाना पड़ेगा तीन से बोलना पड़ेगा तीन बेचारा इसको भाग नहीं कर सकता है तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा तीन इसको पाँच बार में भाग कर पाएगा और तीन हमारे यहाँ पर तीन को भाग कर पाएगा अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची है जो मेरे भाई यहाँ पर कम से कम दो लोगों को भाग करे तो जब ऐसी संख्या नहीं बची है तो एल्सीयम के नाम पर हमारा क्या हो जाएगा तो एलसीयम के नाम पर हमारा हो जाएगा दो इंटू तीन इंटू आठ पांच और तीन यहाँ पर आठ हो गया पांच हो गया और तीन हो गया ठीक है तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आठ इंटू पाँच चालीस चालीस इंटू तीन एक सौ बीस एक सौ बीस का तीन गुना तीन सौ साठ और तीन सौ साठ का दो गुना सात सौ बीस यहाँ पे ठीक है कितना हो जाएगा सात सौ बीस हो जाएगा अब ये तो हमारा एक बेसिक तरीका है कि जिससे हम अभी एल्शियम को निकाल रहे हैं मेरे भाई बाकी बीच बीच में मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताते रहूँगा कि बीच बीच में शॉर्ट तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से हम एल्सियम कैसे निकालेंगे ठीक है मेरा बात अभी जो, जो है वो फाउंडेशन आपका तैयार करना है तो वैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे चलिए आ जाइए मेरे भाई ठीक है अभी कोई शादी वादी नहीं होगी हमारी दो हज़ार तेईस तो बिल्कुल भी नहीं होगी चौबीस को भी टालने की कोशिश की जाएगी ताकि पच्चीस तक कुछ बात बन पाए आप लोग निश्चिंत रहिए एक बार शादी हो गया ना घर गृहस्थी के चक्कर में रह जाएंगे फिर बढ़िया पढ़ा नहीं पाएंगे फिर आप लोग बोलेंगे सर देखिए आज भी क्लास नहीं आए हैं ठीक है आज भी क्लास कैंसिल हो रही है तो एकदम खुश हैं अभी हमारा सही जीवन चल रहा है बड़े खुश हैं एकदम आप लोग भी प्रेशर ना बनाएं और भाई लोग आप लोग भी मत बनाओ ठीक है आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे सवाल देखो बढ़िया है किसी कार्य को बारह दिनों में पूरा करता है बी किसी कार्य को छत्तीस दिनों में पूरा करता है दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे बताइए जल्दी से हम यहां पर चाहें तो ऐसे मेथड भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पर चाहे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले के माध्यम से भी सवालों को कर सकते हैं बताइए कैसे करेंगे आप ठीक है बताओ भाई बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ए भी है और बी भी है और दोनों कितने दिनों में करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा अगर ए कोई काम को करेगा तो 12 दिन में अगर बी कोई काम को करेगा तो 36 दिन में अगर हम दोनों का एल्शियम लेंगे यहाँ पर तो 12 और 36 का एल्शियम कितना हो जाएगा 36। सिक्स छत्तीस को 12 से भाग करेंगे तीन आएगा 36 को 36 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा समझ रहे हैं अब बोलोगे सर कैसे आप डायरेक्ट छत्तीस ले लिए देखो मैंने कहा था कि बीच बीच में ट्रिक आएगा तो वो हम बताते रहेंगे और ट्रिक मेरे भाई क्या है कि Hence, जब भी यहां पर दो संख्या दिया गया हो तीन संख्या दिया गया हो चार संख्या मेरे भाई दिया गया हो यहां पे तो उस केस में हमेशा वो बड़ी वाली संख्या को पकड़ो और चेक करो कि क्या छोटी वाली उसको डिवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है अगर छोटी तो वाली मेरे भाई डिवाइड कर पा रही है ना तो ये समझ लेना कि किल्सियम मेरे भाई यही है बारह इसको डिवाइड कर पा रहा है यहां डिवाइड कर पा रहा है तो बारह से इसको तीन बार में डिवाइड हो गया हो गया तो यानी बड़ी वाली संख्या हमारी एल्सियम है छत्तीस को बारह से भाग किया तीन आ रहा है छत्तीस को एक से भाग किया 36 आ दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे कितना होगा तो नाइन डेज कौन सा ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई आएगा ठीक है अब चलो आ जाओ एक छोटी सी बात यहां पर बताते हैं छोटी सी बात ठीक है ये तो हमने किससे किया तो ये हमने किया मेरे भाई एलसीए मेथड से लेकिन अगर मेरे मन में विचार है कि हम यहाँ पर एलसीएम मेथड से ना करके हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो आपका हाथ पाँव किसी ने बांधा नहीं है बड़े प्यार तरीके से मेरे भाई जो है आप फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हो फार्मूला हमारा क्या है तो याद रखना ए बी अपॉन ए प्लस बी बस याद रखना कि यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ए बी अपॉन ए प्लस बी तो यहाँ पर ये कितना समय ले रहा है तो बारह दिन अगला व्यक्ति कितना समय ले रहा है तो छत्तीस दिन यानी दोनों को पहले गुना करिए और उसके बाद मेरे भाई दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 जमा छत्तीस कितना हो जाएगा अड़तालीस दिन 12 से मेरे भाई चार बार में कटेगा चार से हमारा नौ बार में कटेगा तो आंसर आ जाएगा नाइन डेज कौन सा ऑप्शन आएगा डी फॉर देवसेना तो यानी अब बेसिक वाला जो पॉइंट है कि कैसे हम दो लोगों का समय देने के बाद भी हम यहाँ पर जो है कैसे हम उसका टोटल टाइम निकालेंगे तो वो आप सीख चुके हैं अब इसी के आधार पर जल्दी से हमारा सी में अभी एक महीने पहले क्वेश्चन आया था इसका उत्तर दीजिए और यहां पर इसका आंसर जो है वो मेरे भाई हर एक बच्चे यहां पर देगा ठीक है चलिए एक मेरा भाई कह रहा है कि सर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता है मैं कैसे पढ़ाई करूं ठीक है और ऐसे ही सर आ, क्या लिखा उसने कि सर मुझे हाँ मतलब देखो मेरे भाई अब ये जो भाई हमारे कह रहे हैं कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है मैथ से डर लगता है कई ऐसे सवाल मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पे डेली ऐसे कमेंट में आते रहते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है मैं क्या करूँ मुझे मैथ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ मेरे भाई पता है क्या है आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है बस आप है ना अपना कदम उठा नहीं रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा मेरे भाई व्याख्या बताता हूँ यहाँ पे ठीक है क्या दुनिया में जितने भी मोटे लोग हैं जो मोटापे के शिकार हैं क्या उनको पता नहीं है यहाँ पर कि अपना वज़न कैसे कम करना है बताओ पता है कि नहीं पता है मेरे भाई कि उनको अपना वज़न कैसे कम करना है अभी जैसे आप कॉमेडियन देखते हैं भारती सिंह को रिसेंट में पंद्रह बीस किलो उन्होंने अपना वजन कम किया है तो क्या इसके पहले उनको पता नहीं था कि वजन कैसे कम किया जाता है हर किसी को पता होता है आप अगर देखेंगे सारा अली खान को तो सारा अली खान भी पहले कितनी ज़्यादा मोटी और कितनी ज़्यादा एक तरीके से लगभग एक क्विंटल के करीब में उनका वज़न था तो पता तो उनको पहले भी था कि वज़न कैसे कम करना है लेकिन उनके अंदर डेडिकेशन कब आया उनके अंदर पैशन कब आया जब वहाँ पर उनको पता चला कि मुझे अपने नाम की एक पहचान बनानी है मुझे अपना नाम जो है वो कमाना है अपने मम्मी के नाम पर अपने पिता के नाम पर मैं ज़िंदगी भर नहीं टिक सकती हूँ ठीक है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसके बाद उनके कई काफ़ी सारे मूवी जैसे केदारनाथ और भी काफी सारे मूवी हिट भी हुए उनके लुक्स की वजह से भी उनके एक्टिंग के वजह से भी ठीक है मेरे भाई पता हर किसी को होता है यहाँ पर कि रास्ता क्या है मंजिल क्या है बस यहाँ पर यह बात आ जाती है ना कि आप काम कब करना शुरू करते हैं ठीक है आज जितने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं मैं आपको बता दूं इस बार मैं इतना खुश हूं बच्चों का रिजल्ट देख के सी का रिजल्ट देख के भाई दिल की एक अलग ही लेवल की खुशी है क्या उन्हें पता नहीं था कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं मेहनत कैसे कर रहे हैं वो ठीक है बट वही बात होती है ना कि हम यहाँ पर किस तरीके से जो है अपने स्टेप्स उठा रहे हैं कितना हम मेहनत करते हैं आप यहाँ पर एक घंटा मैथ्स को दे रहे हो दो घंटा मैथ्स को दे रहे हो चार घंटा मैथ्स को दे रहे हो उसके अनुसार जो है मेरे भाई तब ना आपका मैथ्स सुधरेगा बस खाली इतना ज़िंदगी भर दुखड़ा रुना गुणगान करते रहो यार हमारा मैथ्स वीक है हम क्या करें ये करते रहो और आप कदम उठाओ ही मत खाली रोते रहो मोटे हैं मोटापा कैसे कम करना है क्या करना है बस ये सुनते रहो आए जहाँ दुनिया की बातें देखते रहो लेकिन उसके ऊपर काम ही मत करो तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला है ठीक है चंद्रगुप्त एक नॉर्मल सा साधारण सा बालक था और एक समय उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया ठीक है धीरे धीरे उसको चीज़ें पता चलती गई और वो इम्प्लीमेंट करता चला गया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो होता है एग्जीक्यूशन और इम्पो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वही चीज़ें ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं सिर्फ कुछ बच्चों की आए मतलब कहानी हो गई आए दिन की कि आज जाके YouTube पे सर्च करना है जी की स्ट्रेटजी मैथ की स्ट्रेटजी इंग्लिश की स्ट्रेटजी और हर दो चार दिन के बाद मेरे भाई स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी आप सर्च कर रहे होते हैं यहीं आपके सबसे मूर्खता की पहचान होती है सर्च तो मेरे भाई कर लेते हैं फॉलो आप किसी का नहीं करते हैं हमसे भी सुनेंगे टॉपर से भी सुनेंगे कोई और मिल गया तो उसको भी पकड़ लेंगे हर किसी के आगे की कहानी भाई मेरा जी एस वीक है मैं क्या करूँ सब बताएँगे आपको लूसन पढ़ना है सब बताएंगे मेरे भाई ये किताब पकड़ लो यार कोई एक किताब पढ़ लो कोई ये किताब उठा लो भाई पूछोगे सबसे करोगे कुछ भी नहीं तो कैसे बढ़ पाओगे भाई आगे फिर तो संभावना ही नहीं है जीवन में आगे बढ़ने की तो ध्यान दो इस बात पे कि सिर्फ़ है ना बातें पूछने से सिलेक्शन नहीं होता है बातें पूछने से चीज़ें नहीं होती हैं काम भी करना पड़ता है आज मैं मतलब क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से यार मैं बच्चों के रिजल्ट में अभी देख रहा हूँ ठीक है सी का एक बाढ़ ही आया है सैलाब ही आया है आज हमारे बच्चे से इसके पिछला जो सैलाब था वो सीजल दो का था हालाँकि उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी इसीलिए दो सौ के, के करीब में बच्चे सेलेक्ट हुए थे ठीक है तो मतलब ठीक है उस लेवल की खुशी तो थी लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लेवल अभी सी के पेपर में हुआ आप ये देखो कि जो भी बच्चे पढ़े अभी सी पी ओ दो हज़ार बाईस के रिज़ल्ट के बारे में बता रहा हूँ और सब का इंटरव्यू लिया मैंने सबसे जो बातें हुई हैं मेरी इतनी अच्छे तरीके से मैंने कॉमन फिगर आउट निकाला कि क्या ये ऐसा करते हैं यहाँ पर कि जिसके कारण ये रैंक तक लेकर आ पा रहे हैं किस लेवल का डेडिकेशन था किस तरीके से पढ़ाई करते थे कितना घंटा ये समय देते थे अपने आप में जो इनकी कमियाँ थी उनकी कमियाँ इन्होंने कैसे दूर की जो मॉक में एक स्कोर जो था एक स्टैगनेंट पॉइंट पर आ रुक गया था ठीक है बढ़ता ही नहीं था तो उसको इन्होंने किस तरीके से बढ़ा हर एक बातों को मैंने एनालाइज़ किया ठीक है किस किस से बात भी की मैं आपको बता देता हूँ चूँकि आप ऑल इंडिया रैंक टू देखिए आप यहाँ पर ये भी मेरे भाई आप ऑल इंडिया रैंक टू सागर मिश्रा का देखिए पूरा इंटरव्यू आपके चैनल पर डल चुका है ऑल इंडिया रैंक फाइव की अगर हम बात करते हैं राकेश कुमार ये भी आपके इसी बैच के स्टूडेंट थे आपको वी बैच के ये कॉम्बो बैच के थे ये वी बैच के स्टूडेंट थे उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक बारह से अभी इस लड़के से बात हुई है बड़ा अच्छा लड़का है ठीक है और यहाँ पर इन्होंने दो टीचर से मेरे भाई पढ़ा हुआ था ठीक है इन तो एक जगह पर ऑलरेडी इन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद मुझे लगा नहीं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू या वीडियो शूट करनी चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 19 ऐसे ही ये भी बहुत अच्छा लड़का है ठीक है पढ़ाई में बहुत तेज है सोनी सिंधुजा करके इसने भी यहाँ पर कहा था कि सर मैंने यूट्यूब से फॉलो किया था पूरा का पूरा, पूरा आपको और साथ में एक और टीचर का फॉलो किया था तो उसके बाद हमने भी इनका इंटरव्यू नहीं लिया कि फालतू की चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती रहेंगी और भी मेरे भाई एक से एक रैंकर बड़े पड़े हैं अभी इसमें एक से दस के बीच में एक और रैंकर है जो हिडन है जिसके बारे में

ठीक है अपना दस दस घंटे बारह बारह घंटे का सेल्फ स्टडी देना जब मॉक में इनका स्कोर रुका तो वहाँ पर इन्होंने अनालाइज़ किया कि यार मेरे में प्रॉब्लम क्या थी मैं किस तरीके से यहाँ पर जो है क्यों मेरा जीएस में बार बार नंबर कम आ रहा है और एक एक पॉइंट पर जहाँ जहाँ रहा है वहाँ पढ़ना शुरू किया ना कि जाके फालतू का बकरी काटना ठीक है एक से एक बढ़कर यार मतलब दिल खुश हो गया बच्चों से मिलकर अभी तो मैं आपको बताऊं एक रैंक यहाँ पर एक और भी है एक से दस के बीच में जिसके बारे में अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ कुछ रीजंस हैं मेरे भाई आज मेंस के बैच में बताया लेकिन आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे ठीक है तो भर भर के सिलेक्शन से मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में चाहे वो यूट्यूब हो एप्लीकेशन हो पेड बैचेज हो और बच्चों की लगन भी है तो एक हमारी मेहनत हो जाती है आपकी लगन जुड़ जाती है फिर तो भौकाल ही होता है तो हम तो अपने एंड पर कर ही रहे हैं बस आप अपने एंड पर मेहनत करते जाओ वाली बात होती है तो ध्यान दो यार कोई चीज़ है ना घबराने से या ये छोड़ देने से नहीं होता है मेहनत करना पड़ता है आगे बढ़ना पड़ता है आप मेहनत करो जीवन में आगे बढ़ोगे ठीक है यार मैंने भी मेहनत की मुझे एक बार सवाल एक ऐसा गिर गया कि हाँ कितने बच्चे आपके सेलेक्टेड होते हैं लो भाई भर दिए तुम्हारे सामने रैंक ही रैंक उठा लो यहाँ पे ठीक है इतने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं सीपीओ के सिर्फ एक से मैं आपको 50 के बीच में बता रहा हूँ और कितने सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर चैलेंजेस मेरे सामने भी हैं आपके सामने भी है हम उसको दिल पे ले लेते हैं तो फिर मेरे भाई रगड़ ही देते हैं उसको सेम काम अब आपके सामने आप उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो अब आप देखो यहां पे ठीक है आइए चलिए मेरे भाई सवालों को लेकर क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कहा गया आदित्य किसी काम को बीस घंटे में मेरे भाई पूरा करता है विनय किसी काम को पंद्रह घंटे में करता है मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे सी एच एस एल का मेरे भाई यहाँ पर जो है बड़ा प्यारा सवाल कि यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे और यहाँ पर ये तो सिर्फ रैंक है बाकी सलेक्शन्स तो अथाह हैं जिनका मतलब हज़ारों में रैंक है तीन सौ चार सौ पाँच सौ ये तो सिर्फ रैंक रैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे तो हम इस सवाल को मेरे भाई कैसे करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये बीस घंटे में करता है ये पंद्रह घंटे में करता है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा एक्स वाई अपाउंड एक्स प्लस वाई यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है तो बोलेंगे सर बीस घंटे वाई की वैल्यू कितनी है तो पंद्रह घंटे एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है तो पैंतीस घंटे पाँच से हम काटेंगे चार बार में पाँच से हम काटेंगे सात बार में आंसर हमारा कितना हो जाएगा सिक्सटी अपॉन्स सेवन डेज ठीक है अब ये सिक्सटी अपॉन्स सेवन डेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे तो बोलोगे सर देखिए से इसमें भाग लगाते हैं से इसमें में भाग लगाएंगे, और तो सवालों है, है। है, है, है है। -फट का सिलसिला शुरू होता जाएगा और आप लोग आंसर देते जाइएगा फटाफट मेरे भाई काम को बारह दिनों में करता है पंद्रह दिनों में करता है मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे जब मेरे भाई यहां पे बहुत 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 भाई, पांच एक व्यक्ति कार्य को बारह दिनों में कर रहा है दूसरा उसको पंद्रह दिनों में कर रहा है मिलकर कितने दिनों में करेंगे आप बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान सवाल है पता है आपको यहाँ पर ठीक है बारह दिन और पंद्रह दिन यहाँ पर बारह दिन और इंटू हमारा कितना हो जाएगा पंद्रह दिन और डिवाइड में क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे यानी हो जाएगा सर सत्ताईस दिन तीन से हम काटेंगे चार बार में तीन से हम काटेंगे नौ बार में कुल मिलाकर आंसर हमारा सिक्सटी अपॉन कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा अब सिक्सटी अपॉन कितना अच्छे हालांकि और कटेगा मेरे भाई ये किससे कटेगा तो ये देखो तीन से भी और कटेगा तीन से काट लो तीन बार में तीन से काट लो पाँच बार में तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन थ्री कितना हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन डेज हो जाएगा आप तीन से इसको भाग करिए तो तीन इसे कितनी बार में काटेगा छः बार में अठारह कितना बच जाएगा दो तो छः सही दो बटे तीन ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहा गया अनिल और विपिन एक साथ कार्य को पंद्रह दिनों में पूरा कर सकते हैं विपिन अकेला इसको बीस दिनों में पूरा कर सकता है अनिल अकेला कितने दिनों में मेरे भाई पूरा कर पाएगा ये हमसे कहा गया है ठीक है जल्दी से कि सी का हमारा प्री का सवाल है और वो भी 2023 में भी रिसेंट में पूछा गया है आंसर बताइए ठीक है कि सर अनिल और विपिन किसी काम को पंद्रह दिनों में अब यहाँ दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना एक हमारा अनिल भी कर रहा है दूसरा हमारा विपिन भी कर रहा है और मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो मिलकर यहाँ पंद्रह दिनों में करेंगे विपिन अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा तो विपिन अकेला कार्य को बीस दिनों में करेगा मुझे यहाँ पर मेरे भाई क्या लेना है एल यानी मुझे एक ऐसी संख्या तलाश करनी है जो हमारी पंद्रह से भी कट जाए और हमारी बीस से भी कट जाए तो वो संख्या हमारी कौन सी है तो साठ ठीक है आपको यहाँ पर एल्सियम निकालना होगा थोड़ा फास्ट में हमने आपको मेथड बता दिया अब आप कैलकुलेट करिएगा पंद्रह और बीस का एल्शियम कितना हो गया तो साठ हो गया साठ को पंद्रह से भाग करो चार बार में साठ को बीस से भाग करो मेरे भाई तीन बार में अब यहाँ पर देखो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसके सामने जो आता है वो उसकी क्षमता होती है यहाँ विपिन के सामने तीन है और अनिल प्लस विपिन के सामने मेरे भाई चार है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये विपिन भाई की क्षमता तीन है और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे चार आ रहा है तो विपिन हमारा तीन है तीन में हम कितना जोड़ेगी चार आ जाएगा तो तीन में मेरे भाई यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा तीन में कितना जोड़े चार आएगा तो एक जोड़ना पड़ेगा यानी अनिल का जो है मेरे भाई यहाँ पर हमारा टोटल एफिशिएंसी कितना होगा तो एक होगा तो क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन अनिल फिनिश द वर्क तो यहाँ अनिल जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में काम करेगा ये बताओ तो टाइम टेकन बाय अनिल बराबर क्या हो जाएगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ठीक है तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वर्क हमारा कितना होगा तो वर्क हमारा साठ होगा और एफिशिएंसी की मेरे भाई बात करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी तो एक होगी सिक्सटी अपॉन वन यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली लेकिन हाउ मेनी डेज अनिल कैन फिनिश द वर्क अलोन कितने दिनों में वो मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा तो बोलोगे सर साठ दिनों में करेगा ठीक है भाई चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं सी एच एस एल का प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे देंगे मुझे सभी बच्चों से आंसर चाहिए ठीक है जो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं वो बिना पेन उठाए आंसर दे और जिनको कलम उठाने की आवश्यकता है कलम से सॉल्व करके आंसर दे लेकिन आंसर सभी को देना है मजा मेरे भाई तभी आएगा तभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे ए एक काम को अट्ठारह दिनों में कर सकता है बी उसी काम को चौबीस दिनों में कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर पाँच दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा 2023 में पूछा गया ये मेरे भाई एक सवाल है ठीक है कि कितना अंश हमेशा शेष रह जाएगा कभी ये नहीं बोलेगा कितना शेष रह गया हमेशा बोलेगा कितना पार्ट शेष रह गया और वो भी उसका एक अपना एक लॉजिक है अपना एक रीजन है कि क्यों हमेशा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा रह जाता है मतलब क्यों हमारा हमेशा पार्ट ही पूछा जाता है वो बोलेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ए कैन डू अ वर्क इन एटीन डेज ए किसी कार्य को अठारह दिनों में करेगा और बी मेरे भाई उस कार्य को कितने दिनों में करेगा तो यहाँ पर चौबीस दिनों में करेगा ठीक है अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अठारह और चौबीस का जो हमारा एल होगा अठारह और चौबीस का मेरे भाई जो यहाँ पर एल होगा वो हमारा क्या होगा तो बोलेंगे सर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे बड़ी से बड़ी संख्या तो यानी छ से ये तीन बार में और छे से ये चार बार में अब मेरे भाई कोई ऐसी संख्या मेरे पास नहीं बची है जो ये दोनों को काट पाए तो इसीलिए एलसीएम के नाते हम क्या लेंगे तो जो कॉमन है वो ले लीजिए और जो बच गया मेरे भाई वो ले लीजिए तो छः इंटू तीन अट्ठारह अट्ठारह चौके कितना हो जाएगा बेहतर ये हमारा क्या होगा तो एलसीएम होगा हमारा एलसीएम मेरे भाई कितना होगा तो बेहतर होगा ठीक है यहाँ पे अब भाई बताओ बेहतर को अठारह से भाग करोगे चार आएगा बहत्तर को चौबीस से भाग करोगे कितना आएगा तो तीन आएगा ये हमने क्या ले लिया मेरे भाई तो एलसीएम ले लिया अब आप जरा एलसीएम देखिए यहाँ पर तो जो जिसके सामने होता है वही उसकी क्षमता होती है आप यहाँ देखिए बी के सामने तीन है तो बी की क्षमता कितनी होगी तीन होगी ए के सामने चार है तो ए की क्षमता कितनी होगी तो चार होगी क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर फाइव डेज एक एक बातों को हमें समझना है कि उन लोगों ने मिलकर पांच दिन तक काम किया है किन लोगों ने मिलकर तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर मेरे भाई कितना दिन काम किया है, तो पांच दिन तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे कि सर उन लोगों ने काम किया कितना आप यहाँ पर देखिए तो जो वर्क डन है वो हमारा कितना है तो बोलोगे सर ए और बी ने पांच दिनों तक काम किया है इन टू फाइव डेज एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं एक दिन में एक दिन चार यूनिट और तीन यूनिट सात यूनिट काम करते हैं एक दिन में सात यूनिट काम करेंगे तो पांच दिन में कितना होगा तो सात इंटू पांच यानी सर पैंतीस दिन होगा कितना होगा सर तो पैंतीस दिन हमारा होगा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितना काम हो गया है क्वेश्चन में यह बोला वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट कितना भाग बचा हुआ है कितना भाग बचा है तो मेरे भाई यहाँ पर जो वाट वर्क लेफ्ट है मेरे भाई वो हमारा टोटल का कितना पार्ट है यानी वर्क लेफ्ट अपॉन टोटल हमें बताना है तो ये बताओ बेहतर में पैंतीस काम हो गया तो बहत्तर में पैंतीस काम हो गया तो लेफ्ट कितना है 72 टू माइनस थर्टी फाइव यानी कितना हो जाएगा तो थर्टी सेवन हो जाएगा और बट्टे में मेरे भाई क्या है तो बट्टे में हमारा टोटल है यानी सेवनटी टू है तो थर्टी सेवन अपॉन सेवनटी टू कौन सा ऑप्शन होगा मुन्ना ऑप्शन नंबर सी बहुत शानदार सोनू ब्यूटी सिंह नेहा दिनेश कुमार नातिक विशाल ठीक है तो कितना पार्ट हमारा रह गया तो कितना पार्ट रह गया तो सैंतीस बटे बेहतर अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात कहा था कि क्यों एग्जामिनर ये कहता है कि वाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट क्यों कभी वो ये नहीं बोलता कि कितना काम बाकी रह गया रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्त यहाँ पे ठीक है रीजन यहाँ पर यह है कि कोई बच्चा एल्सियम बेहतर ले रहा है हो सकता है कोई एल्सियम 360 ले ले हो सकता है कोई एल्सियम कुछ भी ले ले तो यहाँ एल्शियम लेने के कारण ये अलग आएगा मेरे भाई और यहाँ पर ये जो वर्क लेफ्ट है वो अलग आएगा लेकिन अगर एग्जामिनर यहाँ पर ये पूछ लेगा ना कि वाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट तो आप चाहे एल्सियम मेरे भाई कुछ भी ले लो जो बाद में रेशियो आएगा वो यहीं आएगा इसीलिए मेरे भाई हमेशा फ्रैक्शन पूछा जाता है ना कि ये पूछा जाता है कि कितना यहाँ पर पार्ट जो है वो हमारा लेफ्ट है अब यहाँ पर जल्दी से सी का एक प्यारा सा सवाल है इसका आंसर आप लोग दे दीजिए ठीक है और फटाफट वीडियो को 6000 लाइक तक पहुँचा दीजिए जल्दी से आप लोग कर सकते हैं दोनों काम जल्दी से करिए ठीक है क्वेश्चन में कहा गया है एक काम को साढ़े सात घंटे में कर सकता है और बी वही काम को साढ़े दस घंटे में कर सकता है अगर वह एक साथ साढ़े तीन घंटे तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा एकदम मेरे भाई यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन का फोटो कॉपी है बताइए मेरे भाई जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा फटाफट तो हम बोलेंगे सर देखिए ए किसी काम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए हमारा कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर ये साढ़े सात घंटे कितना हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ठीक है साढ़े सात घंटे को मेरे भाई हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में ले लेते हैं तो दो इंटू सात चौदह चौदह प्लस एक पंद्रह पंद्रह बटे दो जान के मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि फ्रैक्शन वाले सवालों को भी करना आप लोगों को आ जाए फिर कहा बी उसी काम को साढ़े दस घंटे में दो इंटू दस बीस बीस और एक हमारा कितना हो जाएगा इक्कीस एक एकदम धीरे धीरे करके आराम आराम से मध्यम मध्यम करके आपका लेवल बढ़ाएंगे भाई अब यहाँ पर चूंकि बात आती है इनका क्या लेने का एल्सीय लेने का अब जब इनके एल्सीयम लेने की बात आती है तो बच्चे हो जाते हैं परेशान वो सोचते हैं यार हमको है ना एल्सीयम निकालना आता था लेकिन कैसे एलसीएम निकालना आता था तो यहाँ पर पंद्रह और इक्कीस का निकालना आता था अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया मेरे भाई ये फ्रैक्शन में रहे या ना रहे आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपको सिर्फ वो दो संख्याओं से मतलब है फ्रैक्शन में हो तब भी वही एलसीएम आएगा और ना हो मेरे भाई तब भी आएगा यानी अगर ये फ्रैक्शन में है तब भी आपको पंद्रह और इक्कीस पर ही फोकस करना है और पंद्रह और इक्कीस का ही एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर कैसे निकलेगा वो देखो तीन से काटोगे पांच बार में तीन से काटोगे सात बार में तो यदि हमें एलसीय निकालना है तो हम क्या बोलेंगे जो संख्या बाहर है वो लिख देते हैं और यहाँ पर मेरे भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा सात इंटू पांच पैंतीस और पैंतीस का तीन गुना एक सौ तो एल्सियम हमारा कितना आ जाएगा तो एक सौ आ जाएगा एलसीयम हमारा कितना आ जाएगा तो बोलेंगे गुरुदेव एक सौ पाँच आ जाएगा ये हमारा मेरे भाई क्या आ गया है तो सी आ गया है अब बात होती है एफिशिएंसी की यहाँ पर कि हमारा एफिशिएंसी कितना होगा तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को हम टाइम से भाग करते हैं करते हैं मेरे भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो वर्क आपका कितना है तो एक है अभी इस एक पाँच को ये पंद्रह बटे दो से आप भाग करिए तो पंद्रह और बट्टे का मेरे भाई दो बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता तो इसलिए बट्टे का दो यहाँ से कहाँ चला जाएगा एकदम ऊपर मेरे भाई चला जाएगा पंद्रह से हम काटेंगे तो सात बार में तो सात इंटू दो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई चौदह यहाँ पे ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ पर तो चौदह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे पंद्रह से इसमें भाग करो कितनी बार में भाग किया आपने सात बार में वो सात को अपने नीचे वाले से गुना कर दो तो चौदह आ जाएगा वो सात को अपने नीचे वाले से गुना कर दो चौदह आ जाएगा जैसे ये एक सौ पाँच है इस एक सौ पाँच को आप इक्कीस से भाग करो कितनी बार में कटेगा तो बोलोगे पाँच बार में जितनी बार में कटेगा इस पाँच को नीचे वाले से गुना कर दो तो फाइव इंटू टू हमारा कितना हो जाएगा तो फाइव इंटू टू जो है वो हमारा मेरे भाई दस हो जाएगा यहाँ पे क्लियर है तो ये हमारा एफिशिएंसी है दोनों का दोनों यहां पर ये हमारा वर्क है अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन में कहा है दे वर्क टुगेदर फॉर इतना यानी हम आराम से सीखते हैं पहले कि वर्क डन कैसे है इन लोगों ने कितना काम किया है तो ये बंदा जो है यहाँ पर ए और बी के द्वारा कितना काम हुआ है कितने देर में तो यहाँ साढ़े तीन देर में साढ़े तीन घंटे में तो दो इंटू तीन छः प्लस एक सात बटे दो यानि इन लोगों ने सात बटे दो घंटे में, में मेरे भाई कितना काम किया है तो यहाँ पर देखो तो चौदह और दस हमारा कितना हो गया तो चौबीस हो गया और चौबीस को यहाँ पर सात बटे से अगर हम भाग करें तो बोलेंगे सर 12 इंटू सात हमारा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा यहाँ पर वर्क डन हम कितना कर लेते हैं तो 84 कर लेते हैं कितना काम कर लेते हैं तो 84 कर लेते हैं तो यहाँ पर वर्क लेफ्ट जो है मेरे भाई और हमें क्या लेना है वर्क लेफ्ट अपॉन में कितना लेना है मेरे भाई टोटल तो हम बोलेंगे सर देखिए टोटल 105 में से 84 घटा दीजिए 105 में से एटी घटा दीजिए तो आ जाएगा सर यहाँ पर इक्कीस ठीक है यानी इतना काम लेफ्ट है और ये जो लेफ़्ट है ये हमारा टोटल का कितना पार्ट है तो 21 बटे एक यानी कितना हो जाएगा सर एक बटे पाँच इतना भाग जो है वो हमारा क्या है तो लेफ्ट है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है ना कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी आंसर दे रहे हैं कैसे आंसर आप दे सकते हैं यार ये बोला गया ना कितना पार्ट लेफ्ट है ये थोड़ी बोला गया कितना काम आपने कर लिया है तो समझिए पर कि इतना लेफ्ट और बट्टे में ये क्या लिखेंगे मेरे भाई तो टोटल लिखेंगे आ जाइए चलिए यहाँ पर एक सिलेक्शन चार अगस्त 2022 का एक छोटू सा क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग दे दीजिए क्या कहा गया है अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य से दीवार डिजाइन कर रही है चौदह दिनों में उसने इस काम का इतना भाग पूरा कर लिया है बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगी ठीक है अंजलि इज डिजाइनिंग अ वॉल फॉर अ सोशल इन फोर्टीन डेज शी कम्प्लीटेड सेवन बाईन ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल विल बी शी कम्पलीट रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क मेरे भाई ठीक है यहाँ पर <coughs> तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई अब आप यहाँ पर देखिए छोटी सी बात है चलिए ट्राई करिए इस सवाल को मैं आपको टाइमर दे रहा हूँ एक मिनट का आप यहाँ पर सोचिए प्रॉपर तरीके से कि कैसे इसको बना सकते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे ठीक है बताइए चलिए मेरे भाई आंसर बताइए आप लोग बहुत शानदार बहुत शानदार ऑप्शन नंबर ए ठीक है ठीक है कुछ बच्चे ए बता रहे हैं कुछ बीच बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं देखो क्या होता है जैसे मानो यहाँ पर कहा गया ना कि अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य से पर ये काम कर रही है चौदह दिनों में पार्ट वो मेरे भाई कर लेती है तो यहाँ पर अंजलि ने काम जो किया वो मेरे भाई कितना किया तो सात बटे ग्यारह इसका मतलब जानते हैं क्या होता है इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि ये अंजलि को टोटल काम करना था ये हमारा क्या था तो ये टोटल वर्क था एक तरीके से ठीक है और उसके बाद यहाँ पर ये सात यूनिट ये मोहतरमा ने वर्क किया है ये वर्क उनका क्या है तो ये वर्क उनका डन है यहाँ पे ठीक है यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है तो ये वर्क उनको डन कर लिया है तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा कि जो काम उन्होंने कर लिया है उसके लिए उनको चौदह दिन लगे हैं तो जो काम उनका बाकी है उसके लिए उनको कितना दिन लगेगा यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा चौदह दिन लगा है ये कितने यूनिट काम के लिए लगा है तो बोलोगे सर ये सात यूनिट काम के लिए लगा है कितने यूनिट काम के लिए लगा है तो सात यूनिट काम के लिए और मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है कि जो कार्य हमारा बच गया उसके में कितना समय लगेगा यानी कितना काम बच गया तो ग्यारह माइनस सात यानि हो जाएगा हमारा चार यूनिट काम समझ गए बहुत आसान सा मेरे भाई बात है कि ये जो दिन लगा है ये सात यूनिट काम के लिए लगा है और मेरे भाई जो मुझे बताना है वो कितने के लिए बताना है ग्यारह माइनस यानी यानि चार के लिए बताना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा मेरे भाई आइए चलिए यहाँ पर अब थोड़ा हम नेक्स्ट टाइप के तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा सीजन प्री का क्वेश्चन है और यहां इस तरह के सवालों को देखते हैं रीचा रीता रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को क्रमशः आठ घंटे बारह घंटे और चौबीस घंटे में पूरा कर सकते हैं एक साथ अगर वो कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि तीनों का मन बन गया कि नहीं भैया हमको तो एक ही साथ काम करना है बाकी चीजों से हमको कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर जो है हमें कितना समय लगेगा यानी अब तक जो आपने पढ़ा मेरे भाई वो ये पढ़ा कि दो लोग अगर मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे अब अगर तीन लोगों की बारी आ जाए तो हम कैसे करें जैसे मान लीजिए यहां पर यह हो गया ठीक है रीता रीचा और यहां रीमा जो भी है मेरे भाई तीन लोग हैं एक को यहां पर आठ दिन लगता है दूसरे को यहां पर बारह दिन लगता है तीसरे को यहां पर चौबीस दिन लगता है ले लो भाई जितना भी दिन लेना है कोई दिक्कत की बात यहां नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है चाहे दो लोग मेरे भाई काम करते हों या तीन लोग मेरे भाई काम करते हों या चार लोग मेरे भाई काम करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें इन तीनों का क्या लेना है तो एल्शियम लेना है एल्सियम लेते वक्त मैंने आपको यह कहा था कि अगर सबसे बड़ी वाली संख्या को

तो यहाँ पर इनका क्षमता निकल के आ गया अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है तो क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मच टाइम विल दे टेक मतलब उतना कितने समय में कंप्लीट करेंगे तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है तो टाइम बराबर वर्क वर्क हमारा कितना है तो 24। और बट्टे में हमारा एफिशिएंसी क्षमता हमारी तो क्षमता कितनी है तीन प्लस दो पाँच पाँच प्लस एक हमारा हो जाएगा छः ये हमारा काटेंगे तो कितना आ जाएगा चार दिन इस सर अगर वो मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा चार आवर या चार दिन मतलब चार घंटे लगेंगे वही वाली बात है कितना लगेगा सर तो चार घंटे लगेंगे आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप बोलोगे सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला है तो जैसे दो लोगों का भाई फॉर्मूला था ना वैसे तीन लोगों का भी फॉर्मूला होता है ठीक है जैसे दो लोगों का फॉर्मूला था वैसे तीन लोगों का भी फॉर्मूला होता है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोगों का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कि अगर ए किसी कार्य को एक्स दिनों में करता है और बी किसी कार्य को वाई दिनों में करता है मेरे भाई यहाँ पे तो मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी क्या होगा तो बोलोगे सर देखो मिलकर उस कार्य को करेंगे एक्स वाई अपॉन कितने में तो एक्स प्लस वाई में ये बात सर हमें ध्यान रखना है एक्स वाई अपॉन कितने में तो एक्स प्लस वाई में ठीक है अब वही काम तीन लोगों में अगर आ जाए कि जैसे मानो ए किसी काम को एक्स दिनों में कर रहा है बी किसी काम को वाई दिनों में सी किसी काम को जेड दिनों में तो मेरे भाई मिलकर वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला बताते हैं वो ध्यान रखिएगा बोलेंगे सर मिलकर कार्य करने की बात आई तो यहाँ पर जैसे आपने दो लोगों को गुना किया है ना और यहाँ तीन लोग हैं तो यहाँ क्या कर दीजिए तीनों को गुना कर दीजिए ठीक है फिर उसके बाद किसी भी दो को मल्टीप्लाई करिए जैसे एक्स को वाई के साथ फिर वाई को जेड के साथ और फिर सर जेड को एक्स के साथ ये आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए फार्मूला बता दे रहे हैं ताकि बाद में आपके मन में शंका ना रहे यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है ठीक है समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है कितने लोगों के लिए दो लोगों के लिए और एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस के लिए तो तीन लोगों के लिए ठीक है ध्यान रहेगा तो फटाफट मेरे भाई इसका आंसर बता दो देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है यहां बताइए जल्दी से एक्स किसी काम को बीस दिन वाई किसी काम को बारह दिन जेड किसी काम को अट्ठाईस दिन अगर तीनों मिलकर मेरे भाई काम करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना दिन लगेगा जल्दी से भाई बता दो बहुत शानदार लाइक आप लोग बढ़ा नहीं रहे हैं और मज़ा मुझे आ नहीं रहा है फिर देख लीजिएगा जल्दी से मेरे भाई लाइक बढ़ाइए आप लोग ठीक है एक मेरे भाई एक हमारे यहीं पर भाई है उन्होंने कहा कि सर कुछ लाइन हमने लिखा है और रैंडमली मुझे इसका पहले से कोई अंदाजा था नहीं तो उन्होंने कहा कि सर बच्चे के लिए जो है कुछ लाइन है दो तीन लाइन है जस्ट आप थोड़ा बोल दीजिए तो सही रहेगा तो चलो भाई कुछ लाइन है जरा आप लोग भी सुन लीजिएगा ये उन बच्चों के लिए है जो बाहर रहकर माँ बाप से घर बार से दूर होकर मेरे भाई जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए है कि घर की जिम्मेदारी है बिखरते हुए सपने हैं घर की जिम्मेदारी है बिखरते हुए सपने हैं टूटा हुआ दिल है रंग बदलते हुए अपने ठीक है रातों को नींद नहीं आती आगे क्या होगा कोई राह नजर नहीं आता रातों को नींद नहीं आती आगे क्या होगा कोई राह नजर नहीं आती लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि कोई बात नहीं आ रहा चिंता मत कर एक दिन मतलब सब बढ़िया होगा सब अच्छा होगा ठीक है सब ठीक होगा बड़ा बढ़िया है भाई ठीक है बढ़िया है और आजय मेरे भाई बढ़िया लाइन था चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया एक्स वाई जेड किसी काम को बीस दिन बारह दिन और अट्ठाईस दिन में पूरा करता है तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर कितने दिनों में होगा तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक्स हो गया वाई हो गया जेड हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं ये बीस दिन ये हमारा हो गया बारह दिन और ये हमारा हो गया अट्ठाईस दिन अगर हम एल्सियम लेते हैं यहाँ पर तो एल्शियम मेरे भाई क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सेम बात है देखो बीस है बारह है अट्ठाईस है हम एल्सियम किस तरीके से लेंगे क्या लेंगे तो बोलेंगे सर देखिए बीस है फिर यहाँ पर बारह है और फिर यहाँ पर अट्ठाईस है कैसे एलसीएम लेंगे देखो तो बोलेंगे सर चार है जो बड़ी संख्या है जो तीनों को काट सकती है तो चार का पाँच गुना चार का तीन गुना चार का मेरे भाई सात गुना एलसीएम लेने की जब बात आती है तो यहाँ पर हो जाएगा चार फिर उसके बाद पाँच इंटू तीन इंटू सात यहाँ पे ठीक है ये हमारा हो जाएगा सर ये बीस इंटू तीन सात और साठ इंटू हमारा कितना हो जाएगा चार सौ बीस हो जाएगा सर कुल मिलाकर जो हमारा एलसीएम होगा जो हमारा लघुत्तम समावर्तक होगा वो कितना होगा चार सौ बीस होगा यहाँ पर तो हम यहाँ लिख लेते हैं चार सौ बीस चार सौ बीस को जब आप बीस से मेरे भाई भाग करोगे तो कुल मिलाकर इक्कीस हो जाएगा चार सौ बीस को जब आप बारह से भाग करोगे तो बारह तीन के छत्तीस और बारह पच्चीस साठ हो जाएगा चार सौ बीस को जब आप अट्ठाईस से भाग करोगे तो देखो अट्ठाईस कैसे बना है तो चार और सात से यानी कितना बचेगा तो पंद्रह बचेगा तो आप यहाँ पंद्रह ले लीजिएगा थोड़ा बड़ा डेटा है कोई बात नहीं कैलकुलेटिव बन सकता है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है आप मेरे भाई आंसर दे दीजिएगा तो आप बोलेंगे सर जो टाइम होगा वो हमारा कितना होगा तो टाइम बराबर हो जाएगा सर वर्क और अपौन में कितना हो जाएगा तो एफिशेंसी यानी कौन लोग काम कर रहे हैं तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों के क्षमता को जोड़ेंगे यहाँ पर इसकी क्षमता 21 है अगले की क्षमता 35 है और अगले की क्षमता मेरे भाई 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा 420 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में आपका 50 और 20 यानी इकहत्तर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा डिवाइड करके देखिए तो लगभग सत्तर से कितनी बार में जाएगा छः बार में ठीक है नियर अबाउट अगर ये जाने वाला है तो ये हमारा छः बार में जाएगा ऑप्शन नंबर क्योंकि देखो ना ये सेवेंटी वन को अगर आप सत्तर बना लेते हो तो ये सत्तर का छः गुना है तो ये फाइव पॉइंट नाइन या समथिंग करके जाएगा कि नियर अबाउट कितने के बराबर होगा तो छः के बराबर तो इतना अप्रॉक्सीमेशन तो हम लगा ही सकते हैं कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस फटाफट आंसर चाहिए भाई एकदम मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ थोड़ा सा वीडियो बताओ मेरे भाई मज़ा आ रहा है क्या टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है क्या क्लैरिटी मिल रही है भाई बताइए सर ये बैच ए के लिए होगा हाँ भाई बिल्कुल ए के लिए होगा या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है वन डे कंपटेटिव एग्जाम के लिए तो आराम से मेरे भाई उनके लिए होगा कोई दिक्कत नहीं है बताइए मज़ा आ रहा है ना चलिए बहुत शानदार हाँ सर हाँ सर हाँ सर ठीक है थोड़ा लाइक करके बताइए आराम से अपना सपोर्ट अपना प्यार थोड़ा दिखाइए अगर अच्छा लग रहा है तो जी ये तो बोला गया पी क्यू आर किसी काम को दस दिन पंद्रह दिन और बीस दिन में करते हैं तो यहां पर कितने दिनों में वो काम को निपटा देंगे आप इसको बेसिक तरीका से भी जा सकते हैं और आप इसको मेरे भाई फॉर्मूले के माध्यम से भी जा सकते हैं आप जिस भी तरीका से जाना चाहें आप उस तरीके से प्रॉपर वे में जा सकते हैं सर बहुत मजा आ रहा है चलो बहुत अच्छी बात है तो यहां पर बोलते हैं दस हो गया हमारा फिर हमारा पंद्रह हो गया फिर हमारा क्या हो गया तो बीस हो गया एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए वो हमारा क्या होगा तो इनका एल यानी कितना होगा तो साठ आप साठ को दस भाग करो छः बार में साठ को पंद्रह से भाग करो चार बार में साठ को, को बीस से भाग करो तो तीन बार में तो यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द सेम वर्क उसी काम को वो कितने दिनों में फिनिश करेंगे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशियंसी वर्क हमारा कितना है तो साठ है और क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी छह जमा चार जमा तीन भाई अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो सिर्फ उसकी क्षमता से भाग करो दो काम करेंगे तो दोनों से भाग करो तीन करेंगे तो तीनों से भाग करो यानी सिक्सटी अपॉन कितना हो जाएगा तो तेरह कौन सा ऑप्शन है तो पता ही नहीं अब क्यों नहीं पता इसीलिए क्योंकि डिवाइड किया गया है तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें बहुत बच्चे कह रहे सर ठीक है फ्रैक्शन में लिखना है बट कैसे तो भाई देखो साठ को तुम्हें तेरह से भाग करना है तेरह से अगर भाग करोगे तो चार बार में कितना हो जाएगा तो बावन

कोई परेशानी की बात है बताइए एक छोटी सी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई कहूंगा मैं लेखपाल के डीवी के ऊपर एक बच्चे ने जो है यहाँ पर बड़ा प्यारा सा विनम्र सा निवेदन किया है और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के सामने एक उसके मैसेज को पढ़ देता हूँ पहले और उसके बाद मैं भी अपने दिल की कुछ बात कहना चाहूँगा उन्होंने लिखा कि श्रीमान यूपी लेखपाल का डीवी यानी दस्तावेज सत्यापन उन्नीस सितंबर से शुरू हो रहा है और हम सभी अभ्यर्थी सत्ताईस हज़ार डी वी स्किप अभियान चला रहे हैं जिससे वर्तमान में इस बेरोजगारी के दौर में कोई भी सीट खराब ना जाए महोदय भर्ती प्रक्रिया को दो वर्ष से अधिक का संपूर्ण समय हो चुका है और इस बीच अन्य भर्तियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन बहुत लोग दिखावे के चक्कर में डीवी कराएंगे जिससे बॉर्डर में जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन रुक जाएगा उनके साथ साथ उनके परिवारजनों के जीवन का भी अंधेरा छा जाएगा श्रीमान से निवेदन है कि लेखवाल डी को स्किप करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपील कर दे बच्चों को ताकि यहाँ पर इसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और यहाँ पर जो बच्चे डी मेरे भाई देने जा रहे हैं वो स्किप करें तो एक छोटी सी एक पीड़ा थी एक बच्चे की यहाँ पर जो कि ऑलरेडी लेखपाल के पेपर में मेरे भाई जो है दे चुका है तो मेरा भाई देखो यहाँ पर क्या है कि इस लड़के ने एक एक बातें जो लिखी है बड़े तरीके से लिखी थी बड़े तरीके से इसने कहा भी है कि दो साल ये हो चुका है इसके प्रोसेस को ऊपर और दो सालों में सी का पेपर हो गया सी का पेपर हो गया और भी कई सारे स्टार्ट एग्जाम हो गए तो जितने भी लोग हैं मेरे भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो कि लेखपाल का पेपर दिए हुए थे तो वो उसके डीवी को कृपया करके स्किप कर दें जिनका मेरे भाई किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी लग गया है आपको पता नहीं है कि एक सरकारी नौकरी की मेरे भाई अहमियत क्या होती है यहाँ पे ठीक है एक सरकारी नौकरी पर पूरा का पूरा एक परिवार टिका होता है ठीक है अगर मैं बात करूं अपनी नौकरी के बारे में तो अगर मेरी ढंग के घर में नौकरी लग जाती है ढंग के जगह पर नौकरी लग जाती है तो मेरी बहन की अच्छे घर में एक शादी हो सकती है मेरा थोड़ा सा जो है अच्छे परिवार के साथ संबंध हो सकता है ठीक है तो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा सपना होता है उसके लिए एक बच्चा काफ़ी समय तक मेहनत कर रहा होता है और कुछ लोग बस छोटे से दिखावे के चक्कर में दूसरों के सपने को छीन लेते हैं मार लेते हैं तो अगर यहाँ पर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वक्त का पहिया घूम कर आएगा मेरे भाई और आपके साथ भी गलत होगा यह मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूँ ठीक है तो अपना स्टार्डम अपना पोम्पस बिहेवियर दिखाने के चक्कर में मेरे भाई जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ना करें और यहाँ पर उसके डीवी को स्किप करें बस मेरा इतना सा ही अनुरोध है और बाकी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि ये जो छोटी सी क्लिप हमने जो कही है जिनके पास अपना अपना चैनल है जो अपना चैनल रन करते हैं यहाँ पर इस क्लिप को निकाल के अपने अपने चैनल पर डाल दें ताकि ये आवाज़ बाकी दूर दूर तक लोगों तक जाए और वो यहाँ पर डी को स्किप करें और बाकी लोगों की मेरे भाई सहायता हो पाए इतना मेरा आप सभी से मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को इतने से पार्ट को आप लोग हर जगह पर

आशीष का तो मेरे भाई कोई जिक्र ही नहीं है इंग्लिश में डेटा मिसिंग है ब्रिजेश एंड आशीष यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में लिख लो कि ब्रिजेश है और मेरे भाई कौन है तो यहाँ पर आशीष है और वो किसी काम को चार दिनों में तथा यहाँ पर पाँच दिनों में मेरे भाई कर सकते हैं तो यहाँ देखिए कुल मिलाकर कितने लोग हैं दोस्त तीन लोग हैं ब्रिजेश है जो चार दिन में कर सकता है आशीष है वो पाँच दिन में कर सकता है और आनंद है वो दस दिन में कर सकता है तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये सवाल का आंसर आप लोग आराम से जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा क्योंकि इतना आप लोग अब मेरे भाई सीख चुके हैं कि इतनी छोटी छोटी बताने बनाने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आइए चलिए ठीक है अब यहाँ पर इस तरह का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट हम टाइप करते हैं जो सी में पूछा गया है एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को तीन दिनों में पूरा कर सकते हैं इसी कार्य को ए चौबीस दिनों में तथा बी जो है वो छह दिनों में पूरा कर सकता है तो इस कार्य को अकेला सी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ये हमारा मेरे भाई सवाल पूछा गया है अब जल्दी से मुझे आंसर देना है कि तीन लोग मिलकर तीन दिनों में करेंगे यानी ए हो गया बी हो गया और सी हो गया तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेगा मेरे भाई तीन दिन लगेगा ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में तो ए अगर अकेला काम करेगा तो चौबीस दिनों में बी अगर अकेला काम करेगा तो मेरे भाई कितने दिनों में तो छह दिनों में तो यहां पर अगर हम तीनों का कैल्शियम लेते हैं तो तीनों का कैल्सियम हमारा कितना होगा बताइए जल्दी से तो बोलेंगे तीन हो गया चौबीस हो गया छ हो गया तीनों का कैल्सियम हमारा मेरे भाई चौबीस हो जाएगा चौबीस को तीन से भाग करें आठ आएगा चौबीस को चौबीस से भाग करें एक आएगा चौबीस को छ से भाग करें तो यहां पर मेरे

और मेरे कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारी कितनी है तो तीन है तो सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर कितना दिन सर आठ दिन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है धुंधला दिखाई दे रहा है सर तो क्वालिटी बढ़ाओ ना भाई है तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा हुआ है ये बताओ पहले एप्लीकेशन पे वहां एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है बढ़ा लो खतरनाक आदमी हो भाई तुम आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई सीजल का अभी रिसेंट का पूछा गया प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहा गया ए और बी एक परियोजना को नौ दिनों में पूरा कर सकते हैं बी और सी इसको बारह दिनों में कर सकते हैं और सी और ए इसे अठारह दिनों में कर सकते हैं तो ए बी सी कितने दिनों में पूरा करेंगे ठीक है यानी अब कुछ सवाल मेरे भाई पेयरिंग के ऊपर जहाँ पर लोग अकेला काम नहीं कर रहे हैं पेयर में काम हो रहा है जैसे ए अकेला काम नहीं कर रहा है ए बी के साथ काम कर रहा है बी अकेला काम नहीं कर रहा है बी सी के साथ मेरे भाई काम कर रहा है सी अकेला काम नहीं

लघुत्तम समावर्तक ठीक है तो लघुत्तम समावर्तक की बात करते हैं तो पहली बात नौ हमारा अठारह को काट रहा है तो नौ और अठारह एल्सियम हमारा कितना हो जाएगा तो अठारह हो जाएगा अब मेरे भाई अठारह और बारह का हमें एल्सियम लेना है तो हम कैसे करेंगे तो छह से काटेंगे तीन बार में छ से काटेंगे दो बार में यानी अब एलसीएम लेने की ही बात आ गई तो जो संख्या कॉमन है वो ले लो और जो कॉमन नहीं है मेरे भाई यानी इंटू सिक्स छत्तीस हो, हो जाएगा तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है अब देखो छत्तीस को नौ से भाग करेंगे चार आएगा छत्तीस को बारह से भाग करेंगे तीन आएगा छत्तीस को अठारह से भाग करेंगे तो दो आएगा समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे कोई परेशानी की बात है कोई दिक्कत की बात है अब फिलहाल अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये ए प्लस बी का मान है ए का मान नहीं है उसी तरीके से सर ये बी प्लस सी का मान है बी का मान नहीं है उसी तरीके से ये ए प्लस सी का मान है सर ए का मान नहीं है ये कंबाइन है यदि हम इन सब को जोड़ते हैं तो ए दो बार आएगा बी दो बार आएगा सी दो बार आएगा यानी सब कितनी बार आएंगे तो दो बार ए आएगा बी आएगा और क्या आएगा सी आएगा और यहाँ जोड़ेंगे तो चार तीन सात और दो नौ हमारा हो जाएगा ठीक है हमें यहां पर किसका मान पता करना है तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे हमें दोस्तों यहाँ पर यह पता करना है तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी तो बोलोगे सर ए प्लस बी और प्लस सी हो जाएगा दो को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो नाइन अपॉइंट टू हो जाएगा कितना हो जाएगा सर तो नाइन अपॉन टू हो जाएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया कितने दिनों में मिलकर मेरे भाई वो काम करेंगे तो टाइम अपॉन टाइम जो होगा ए बी सी का वो हमारा कितना होगा तो टाइम बराबर वर्क वर्क हमारा कितना है तो छत्तीस और अपॉन एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी कितना है तो नौ बटे दो यानी यहाँ पर नौ बट्टे दो हो जाएगा ये बट्टे का दो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर नीचे से कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा नौ से आप काटेंगे चार बार में आंसर हमारा आ जाएगा आठ कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर सॉरी बी फॉर बाहुबली ठीक है चलिए बहुत शानदार जबरदस्त भाई ठीक है मजा आ रहा है ना भाई लोग ऐसे ही मजा आना चाहिए तो ये कपलिंग वाले क्वेश्चन हो गए जैसे आपकी भी कपलिंग होती है ना ठीक है कोई ना कोई तो होता ही है जो आपकी सुनता हो आप उसे सुनाते हो अभी क्लास के बाद आराम से जो है आप उनसे बात भी करेंगे घंटों घंटों बात भी करेंगे तो उसी तरीके से ये भी बेचारा अपना कपलिंग वाला कंसेप्ट लगा के बैठा है ठीक है और जिंदगी में क्या है खुश रहना है इंसान को और क्या है किसी की वजह से मुस्कुराने की कारण बन जाए थोड़ी सी जो है चेहरे पर स्माइल आ जाए थोड़ा पढ़ाई हो जाए वही तो चाहिए हाँ वहीं चाहिए लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि बेरोज़गारे रह जाओ जिंदगी भर ये भी बात का ध्यान रखना पता चले कि सर प्यार के मोह माया में इतने बह चुके हैं सारे के सारे यहाँ पे कि बस अपनी रोज़गार की चिंता भी नहीं है उसको तो चिंता नहीं है भाई तुम अपनी चिंता कर लेना इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे आ जाओ तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को अट्ठारह दिनों में पूरा करते हैं बी और सी मिलकर उस कार्य को चौबीस दिनों में पूरा करते हैं ए और सी मिलकर छत्तीस दिनों में करते हैं बताओ सारे मिलकर कितने दिनों में करेंगे सोलह दिन सोलह दिन सोलह दिन एकदम बच्चे हो तो ऐसे कतई जहर वाले हो, ठीक है कि सर आंसर आप सवाल तो बोलिए यहाँ पर गोली की तरह आंसर दागेंगे हम लोग एकदम ठीक है तो ए और बी अठारह फिर उसके बाद यहाँ पर बी और सी चौबीस और ए और सी छत्तीस तो ये अठारह हो गया उसके बाद यहाँ पर ये यह हमारा चौबीस हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये यह छत्तीस हो गया जरा एल्सियम ले मेरे भाई बताइए जल्दी से कितना एल्सियम होगा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट एल्सियम कितना होगा बोलोगे सेवेंटी टू बेहत्तर ठीक है फास्ट रखो अपने आप को नहीं रखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी अठारह चौबीस छत्तीस सबका मेरे भाई कितना आता है बेहत्तर ठीक है बहत्तर को अठारह से भाग करेंगे चार बहत्तर को चौबीस से भाग करेंगे तीन बहत्तर को छत्तीस से भाग करेंगे दो यहाँ पर सबको जोड़ो दो हमारा देखो ए दो बार बी दो बार सी दो बार सारी संख्याएं कितनी आई तो दो दो बार आई तो दो दो बार तीन सात और दो हमारा नौ हो गया तो यहाँ से जो है हमारा a प्लस बी का मान कितना निकला भाई तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान निकला है दो को ले जाके भाग करो तो नाइन अपॉन टू आया क्वेश्चन में क्या कहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे निकालिए जनाब जरा तीनों का तो समय यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी समय बराबर क्या होता है तो वर्क और अपॉन में मेरे भाई क्या हो जाएगा तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितनी है तो नौ बट्टे में मेरे भाई दो है क्या बट्टे के नीचे बट्टा रहेगा बोलोगे नहीं गुरुदेव यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा दो नौ से कितनी बार में आठ बार में तो ये हमारा होगा सोलह हमारा आंसर है कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी है ठीक है देखो मैं आप लोगों की जो क्लास करवा रहा हूँ ना भाई वो प्रॉपर टाइप वाइज करवा रहा हूँ कि आज एक टाइप करवाया फिर और टाइप फिर और टाइप फिर और टाइप एकदम झजमत कर लेना कि पहली क्लास ऐसी है और ये पहली क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म है मैंने ऐसा कोई थमनल पे लिखा नहीं है कि एक ही क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म प्रॉब्लम बच्चों की होती है पहली क्लास देखेंगे उसी में यहाँ पर करेंगे अरे बड़े हल्के सवाल हैं बड़े ये सवाल हैं बड़े वो सवाल हैं और दूसरा तीसरा चौथा पार्ट देखेंगे ही नहीं तो कृपया उस भीड़ का हिस्सा ना बने ठीक है पहली क्लास कोई भी होती है तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल में ही होती है टफ में नहीं आती है क्योंकि उसमें सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कंसेप्ट से प्यार कराने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है अभी एक घंटे पहले आपको टाइम एंड वर्क का टी तक नहीं आता था तो, और अभी आप इतने महारत हो चुके हैं कि मेरे बनाने के पहले आप आंसर दे रहे हैं तो इस बात पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है सेकेंड क्लास होगी उसमें और बेहतर क्वेश्चन होंगे थर्ड क्लास होगी उसमें और बेहतर क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से चीज़ों को हम एकदम सिसलवार तरीके से लेके चलेंगे अगर सीखना है तो तरीके से पढ़ना पड़ेगा ठीक है चलिए बहुत शानदार वीडियो को लाइक करते रहिए भाई दस हज़ार लाइक आज टारगेट है और सेशन के एंड तक हम लोग पूरा करेंगे आराम से बाद में भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग बस लाइक करते रहिए अपना आ जाइए तो ए और बी किसी कार्य को बीस दिनों में करता है बी और सी किसी कार्य को पंद्रह दिनों में करता है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को दस दिनों में करते हैं तो ए और सी मेरे भाई मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये हमारा सवाल है छोटू सा सवाल है जो कि सी में पूछा गया है देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं तो यहाँ पर समझिए ए और बी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया है तो बोलेंगे और ए बी और सी ने उस कार्य को कितने दिनों में किया है तो बोलोगे सर ए हो गया बी हो गया और सी हो गया वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा दस दिनों में अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो बीस पंद्रह दस कैल्सियम कितना हो जाएगा साठ बीस का कितना गुना साठ है तीन गुना पंद्रह का कितना गुना चार गुना दस का कितना गुना 6 गुना ठीक है अब जरा यहाँ पर एलसीएम के माध्यम से देखो किस तरीके से क्षमता निकालोगे और किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहानी जो है वो शुरू होगी आपको यहाँ पर किसका वैल्यू पता करना है ए और सी का मेरे भाई पता करना है तो अभी आप जरा पीछे देखना तो यहाँ पर जो है वो क्या होता था कि जब हम तीनों को जोड़ते थे तो टू ए बी सी आता था तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टू ए बी सी में से हम यहाँ ए प्लस बी को और बी प्लस सी को घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा ए प्लस सी निकल के आ जाएगा मेरे भाई बस वही कहानी है यहाँ पे या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से जोड़ के और इसको आप घटा दें आप ऐसा भी चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको हर किसी का मान चाहिए तो एक काम करिए ये दो लोगों को आप जोड़िए और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप ऐसा कर लीजिए भाई फिलहाल के लिए तो बोलेंगे सर देखो ए में से हमारा ए खत्म हो जाएगा बी प्लस बी टू बी है और टू बी में से हमारा बी निकल जाएगा तो मात्र बी आएगा और सी में से सी खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तीन प्लस चार सात में से छः निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा आप इस तरीके से भी जा सकते हैं यार मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या क्या आपके पास वे हो सकते हैं तो एक वे जैसे मुझे जो लगा वो अच्छा बड़ा ये लगा कि हम इन दो लोगों को जोड़ लेते हैं दो लोगों को जोड़ ले इस नीचे वाले को घटा देंगे ए माइनस ए खत्म टू बी में से बी चला जाएगा बी आएगा सी माइनस सी खत्म बी की वैल्यू कितनी आ गई वन अब यहाँ पर खुद ही देखो मेरे साथ में बी की वैल्यू कितनी आ गई तो भाई वन आ गई वन में कितना जोड़ेंगे कि तीन आएगा तो बोलोगे सर एक में दो जोड़ना पड़ेगा ठीक है बी की वैल्यू कितनी आ गई है तो वन आ गई है अब वन में कितना जोड़ोगे कि चार आ जाएगा तो तीन जोड़ना पड़ेगा इससे क्या फायदा हो गया हर किसी की वैल्यू आपके हाथ में चढ़ गई आप अगर देखेंगे तो ए की भी एफिशिएंसी पता चल गई बी की भी एफिशिएंसी पता चल गई सी की भी एफिशिएंसी पता चल गई तो आपको यहाँ किसी बात की टेंशन नहीं है कल के दिन सिर्फ अगर ये बोले ए उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है तो भी कैलकुलेट कर सकते हो बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो भी कर सकते हो सी अकेला कर रहा है तो भी कर सकते हो किसी का भी पूछे तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो ये फायदा हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए और सी मेरे भाई उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं तो टाइम बराबर क्या होगा तो टाइम बराबर मेरे भाई वर्क

सभी बच्चों को आज एक काम करना है, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेनुनली पढ़ रहे हैं जेनुइनली सीख रहे हैं और जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं जिनके मन में इच्छा है कुछ कर गुजरने की और जिनके मन में है सपना कि भैया आप तो आग लगा के मानेंगे सिर्फ वो वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि वो वीडियो देखने के साथ साथ सवालों को अपने नोट्स में भी बनाते हैं कॉपी में लिखते भी हैं सॉल्व भी करते हैं तो ऐसे बच्चे मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कहाँ देंगे तो कमेंट बॉक्स में बाकी हमेशा की तरह डेली जो मैं आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ दे रहा हूँ वो आज आपको टेलीग्राम

पिंड मैसेज में जाइएगा वहाँ पर मेरे भाई क्लिक करिएगा तो आपको सी पी वेरियर की किताब आ जाएगी एक बार और क्लिक करिएगा तो मेरे भाई पेनेशिया मैथ्स किताब जो है वो आ जाएगी ये पेनेशिया किताब भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए एक बार और क्लिक करिएगा तो मैथ्स की पूरी की पूरी ई बुक आ जाएगी बयालीस सवालों का एक बार और क्लिक करिएगा मेरे भाई यहाँ पर तो पूरी की पूरी यहाँ पर जो है वो ब्रह्मास्त्र जो है किताब आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमने पिंड मैसेज में डाल रखा है और अगर आप भी ज़ाखिरा चाहे पढ़ने का वो आप पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको ये टेलीग्राम नाम की एक एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना होगा ये मेरे भाई नाम सर्च कर लीजिएगा मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुगल ऑफिशियल दोनों आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी दोस्त ठीक है इसके अलावा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है आपको अपना परिवार है तो आप यहाँ पीछे मत हटिएगा आप लोग ठीक है और बाकी बैचेस के बारे में बता दूँ तो देखो यहाँ पर अगर आप कंप्लीट एग्जाम की किसी की भी तैयारी करना चाहते हो दोस्त ठीक है तो यहाँ पर आप मैथ्स का वी बैच लेकर तैयारी कर सकते हो पूरे भारत में ये हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से अगर अपने कम समय में मैथ्स को कंप्लीट करना चाहता है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले और यहाँ से मेरे भाई चीज़ों को आप कंप्लीट करिए ठीक है इसकी फ़ीस छः सौ निन्यानवे रुपये जिसके अंदर कंप्लीट अरिथमेटिक कंप्लीट एडवांस कंप्लीट डी कैलकुलेशन सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है और लाइफ टाइम वेलिटी मिलती है ठीक है तो आर जी विक्रम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ से आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं और ये हमारे ऊपर दिए गए दो इंक्वायरी नंबर है किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप इन पर बात करके अपना समाधान कर सकते हैं ठीक है इस बैच की फीस छः सौ निन्यानवे है और वैलिडिटी जो है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा लाइव बैच है जो कि चैंपियंस बैच हमारा होता है ठीक है जिसी में से आपके ऑल इंडिया रैंक टू जो है सी के आए हुए हैं और ये चैम्पियंस बैच को ही उन्होंने लिया था मतलब कॉम्बो बैच लिया था जो कि जैसे मेरा चैंपियंस हो गया प्रशांत सर का रैंकर्स हो गया इसी तरीके से करके ठीक है तो यहीं से उन्होंने काफी मेहनत की बढ़िया तरीके से पढ़ा उनके चैंपियंस पता नहीं टू या थ्री या जो भी था एक्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है अभी इंटरव्यू लेते वक्त बताया था उन्होंने ठीक है तो यहां पर चैंपियंस बैच के स्टूडेंट रहे वो अच्छे तरीके से मेहनत की ये बैच जो होता है मेरे भाई वो लाइव हमारा चलता है डेली जो होती है इसमें क्लासेस हमारी लाइव होती हैं प्रॉपर वे में ठीक है जैसे आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है उनका भी टाइम एंड वर्क ही चल रहा है यहाँ पे और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो दो साल की होती है इसमें जो है डेली क्लासेस की आपको शीट मिलती है कोई भी चैप्टर का डेढ़ सौ से दो सौ सवालों का आपको शीट होता है फिर एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अलग होता है फिर एक चैप्टर टेस्ट मेरे भाई अलग मिलता है मॉक टेस्ट आपको अलग मिलता है ठीक है आप डाउट यहाँ पर आराम से पूछ सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये लाइव बैचेस के बेनिफिट हो जाते हैं अभी रिसेंट में ये नया बैच आया है फिर बाद में पुराना हो जाएगा बहुत होगा तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी तो आराम से इसमें एनरोल करिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके और पढ़ाई करिए जिस तरीके से मेरा मैथ्स का बैच है वैसे ही यहाँ पर हमारे सभी टीचर्स के कॉम्बो है मैथ स्पेशल इंग्लिश स्पेशल रीजनिंग स्पेशल जी स्पेशल हर स्पेशल अपने आप में बहुत बेस्ट है लेकिन वो सभी बेस्ट को अगर आप मिला दो तो एक सुपर बेस्ट वाली चीज हो जाती है हमारी और वो है हमारा ठीक है कि आपको चार हजार हजार रुपए अलग अलग ना पे करके मेरे भाई छब्बीस सौ निन्यानवे में आप कंप्लीट सभी टीचर्स का जो है वो बैच ले सकते हैं तो आप यहाँ पर कॉम्बो बैच को प्रीफर करें वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा और कहां से करेंगे तो आरजी विक्रमजीत ठीक है तो उम्मीद करते हैं हर तरह की जानकारी हम आपको दे पाएँ आपकी सहायता कर पाएं आपको पढ़ने में, में मेरे भाई जितनी मदद हो सकती है यहाँ पर हम करेंगे ज़रूर करेंगे और ऐसे ही हम लोग डेली के क्लासेस के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे आप डेली के क्लासेस में लाइव रहा करो सीखने की चेष्टा से आया करो जो पढ़ा देता हूँ उसको रिवाइज करो बाद में कोई बच्चा देख रहा है तो टू एक्स के स्पीड पर देख के उसके नोट्स बनाओ ठीक है एट द एंड मेहनत एक ही है और एट द एंड मेरे भाई दोनों का टारगेट एक ही है आपको भी इंस्पेक्टर बनना है हमें भी आपको इंस्पेक्टर बनाना है ठीक है तो दिल लगाकर मेहनत करिए आगे बढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे ठीक है खुश रहिए मस्त रहिए ध्यान रखिए लव यू ऑल टेक केयर बाय ठीक है